मैं मेरी टोपी मेरी सियासत में नहीं जोड़ना चाहता, मैं टोपी मेरे अल्लाह को जम को है सो, इनका निकाब अल्लाह को जम को है सो, अदमियान को बताने नहीं वे, मैं अदमियान को मैं मुफ्ती मैं आलिम मैं हाफिज को तो टोपी नहीं पहन रही, मैं एक मुसलमान होते हुए मुझे लोगों का परवाह नहीं है कौन क्या बोल रहा, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं, अभी बोले दे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़े नहीं, मैं कौन हूं, मैं उसे कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरा अल्लाह को राजी करने वास्ते मैं जो भी करना मैं करता हूँ सो, मैं एक हाजी हाजी होगा मैं सिर्फ टोपी पहनता हूँ बता क्यों, मैं सियासत के विषय क्या भी कनेक्शन नहीं है, सियासत अलग हमारा मजहब अलग, रीजन देती हमें लास्ट काउंसिल तक जब रीजन देती है को, आज उससे नहीं देने में आज हमें तुमना पूरी मीडिया को बात कर रही, ये बात हमें पार्टी में रखती क्योंकि तो हमें पूरा मुसलमान कारपेट रहा एक हो और दो स्टेट सेक्रेटरी भी वो कोई एक अब्दुल शाहिद अब्दुल खादर एक हो और अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भी है, दोनों भी जिम्मेदार है, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब के हैं उनके पास भी जाती, बीजेपी से राजीनामा देने रीजन देने कराती रेशमा पानों को, इंशाल्लाह दुआ करो हमें डिप्टी मेयर सर, अगर वो लोग राजीनामा देने के लिए इनकार कर दिया तो आपका प्लान भी क्या है सर? देखेंगे मैं बैठक हमारे भी सरपरस्त है हाई कमांड है एक हमारे भी एक जिम्मेदार है स्टेट लेवल में सीएम इब्राहिम साहब उनसे बैठ कर राबेदा करते मशवरा करते वहां से स्टेप लेते हमें कैसे सड़न में में आपका स्वागत है, मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आज हमें पूरे कारपेंटर्स शहर मैसूर के यहाँ जमा होने का एक मकसद क्या है, सब जगह सोशल मीडिया में और दूसरे अहबाब कुछ कुछ बोल रहे हैं, इसलिए हमने उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारी पार्टी की वजह से पार्टी के तरफ से आज एक प्रेस मीट किया जा रहा है, इसमें हमारे एक्स मेयर तस्लीम हुई और हमारे कारपेंटर साहेबा रेशमा बानो हुई, मैं शफी अहमद मैं भी एक एक्स डिप्टी मेयर कारपेंटर हूँ, हमारे दोस्त रफीक अहमद कारपेंटर हैं और हमारे एक दोस्त कारपेंटर समीउल्लाह, हमारे रेशमा बानो के शोहर रामन खान हुई, सितंबर 6 तारीख पे मेयर का इलेक्शन हुआ, हर टाइम इलेक्शन में एक घंटा अव्वल हमने फोटो कॉल आता है जिसके अंदर कौन मेयर है उसका नाम आता है, जब पार्टी जिसे हाथ बोलते हैं उसे हाथ उठाना पड़ता है, इस बार हमें रात से 5 तारीख की रात से सवेरे 11 दिन के 11:30 बजे तक भी हमें इंतजार था कांग्रेस का, कांग्रेस को मैं भी बात किया, मेरी जितनी पहुंच थी मेरे दोस्त अयूब खान से भी मैं बात करिया, आरिफ हुसैन से भी बात करिया, इस बार मेयर तुम्हें लियो, डिप्टी मेयर दो चेयरमैन हमना दियो, मेयर भी दो चेयरमैन ना तुम्हें लियो, हमें बीजेपी को देने का नहीं करते, उन्होंने खुद मुझे फोन करके बोले नहीं हमारा साफ बोले अपोजिशन में बैठो किसी भी कीमत में तुम्हें मेयर का इलेक्शन खाब में भी सूचनों को जो लोगों तुम्हें अपोजिशन में बैठो सामने इलेक्शन है, जेडीएस क्या करते करेंदेकर को बोले, फिर भी हमारा हाईकमांड क्या डिसीजन देता है, एक बार होटल में जमा हुए होटल के अंदर बैठ को पूरे कारपेटर हिंदू या मुस्लिम सब मिलकर भी बीजेपी के खिलाफ ही छे, बीजेपी को हमें सपोर्ट करने का ना को कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे करको, ऋषि वर्ल्ड में पूरे कारपेटर एक आवाज में बोले, हमें 11 बजे तक भी इंतजार था कांग्रेस का कोई ना कोई हमारे साथ हाथ मिलाने आएगा करको, कोई भी नहीं, अगर हमें खामोश बैठे तो भी मेयर बीजेपी का हो रहा है डिप्टी मेयर बीजेपी का हो रहा है और चेयरमैन भी बीजेपी की हो रही है, लास्ट टाइम हमें ऐसा खामोश बैठने में हमें ना बीजेपी को सपोर्ट करे ना जेडीएस को सपोर्ट करे, जब भी बीजेपी का मेयर था हमें बगैर हाथ उठाए क्या कांग्रेस क्या कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करे, कांग्रेस भी नॉमिनेशन करी थी जेडीएस भी नॉमिनेशन करी थी बीजेपी भी नॉमिनेशन करी थी, बीजेपी का सुनंदरा पालन नेत्रागर को एक लेडी मेयर बने थे, इसी बार भी ऐसा छोटा नागर को हमारा हाईकमांड बैठ को बात करके नहीं ये बार मेयर बीजेपी होंगे डिप्टी मेयर मुसलमान को लियो, कांग्रेस वाले हमारा साथ दे देंगे बात कांग्रेस वाले हमें भी अकल सीखेंगे बोल को, मेयर बीजेपी डिप्टी मेयर रेशमा बानो और दो चेयरमैन मुसलमानों को देने की बातचीत हुई थी, इसलिए
मेयर को हमें हाथ उठाना पड़ा, कई को हाथ उठाना पड़ा। आज हमें मेयर को हमें हाथ उठे तो डिप्टी मेयर को बीजेपी वाले उन्होंने सब मेरे को हाथ उठा देंगे। हमारा क्या भी खुशी नहीं है मेयर को हाथ उठाने की। उन्होंने जब रेशमा हमें जब बीजेपी को हाथ उठाए तो उन्होंने बीजेपी से रेशमा पानों को हाथ उठाती मत ये हुआ। इसलिए हमें पूरे साढ़े चौदह आधा घंटा ही बाकी था, नाम निशान को 5-10 लाख से बाकी थे हमें रेशमा पानों जाकर पहुंचे। इसके अंदर क्या साजिश हुई क्या साजिश नहीं हुई हमने मालूम नहीं। जगह मेयर का नाम इलेक्शन हुआ, मेयर को हमें सब हाथ उठाए, बाकायदा मेयर से शिवकुमार मेयर बने। जब जब डिप्टी मेयर का इलेक्शन आया ना वोटिंग आई, जब डिप्टी मेयर का नाम स्कूटी चली, जब रेशमा पानों का रिजेक्ट होता हमें गलाटा कर को टाइम पूछती का खाली इनकम सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट हुआ। हमें आधा घंटा खाली दस लाख हमने टाइम जो हमें ले लेता है हमारे पास लेकर थे तो कांग्रेस वाले टेबला थपा को नहीं होता गलाटा। अगर इन हमारे ऊपर जज्बा रखने वाले उस दिन खाली 10 लाख से बैठते तो आज रेशमा बानो डिप्टी मेयर बन गए थे। ये अंदर की बात, बाहर किसे भी मालूम नहीं है। हमें जो उठा रहे वो पूरे मीडिया में भेज रहे हाथ उठाई, हमें नहीं उठाएगा तो बोल रहे हमें क्या भी सबको नहीं उठाए, चार्ज नहीं के सामने में हाथ उठाए। हमें हाथ उठाने का मकसद ही डिप्टी मेयर रेशमा बानो होती को 10 लाख अगर उन्होंने खामोश होते ना रेशमा बानो भी डिप्टी मेयर हो सकते थे। यह हमारा लास्ट इलेक्शन लास्ट ईयर क्यों, तो हमारे मोहल्ले कौन भी हमें सब भी मोहल्ले में काम कराती है इलेक्शन में जीत को हिस्सो। हमारी पार्टी के निशान हमारा पार्टी का सिंबल हमारी पार्टी के निशान से हमें वोट लेको ही मोहल्ले का काम करा देती है को। जब हमारे मोहल्ले का काम नहीं हुआ तो नेक्स्ट हमला कौन तो वोट देता है, कौन भी नहीं वोट देता। मोहल्ले का काम करे तो उसका मोहल्ले का काम नहीं करे तो भी सोशल मीडिया में डालती कारपेट रहेगा काम करा रहा नहीं, मोहरियाम भर गई अंडरग्राउंड भर गए रोड नहीं कर रहा है। अब हमें कोशिश है एक पार्टी से जब तक हमारे मोहल्ले का काम होता है एक अलग बात। अगर चारों तरफ हमारे एरिया में भी कांग्रेस से कारपेट रहा है सब जगह एमएलए ग्रांड है, खुद मेरी वार्ड में 4 साल 1 रुपए का काम भी एमएलए का ग्रांड से नहीं हुआ। आए एमपी का और एमएलए का दो जने भी है 7-8 महीने हो गए। अब तमाम मीडियम को मीडिया वाले को मालूम है आज तक भी काम नहीं हुआ। अब हमें कौन अपना काम करा देता, ना हमारी गवर्नमेंट है ना हमारा एमएलए है, हमें कारपेट खाली कारपोरेशन का ग्रैंड है हमें काम करना। एक रोड रेडी करे तो दूसरा रोड गड़े पड़ता, एक मोरी रेडी करे तो दूसरी मोरी तुटको रचे, एक चैम्बर की लाइन हमें डाले तो दूसरा चैम्बर खराब होकर रहता। हमारा एरिया में कारपोरेशन के फंड के अंदर पूरा एरिया में काम कराना नहीं होता, नहीं तो अपना गवर्नमेंट से फंड आना नहीं तो एमएलए का ग्रांड आना। एमएलए सिर्फ कांग्रेस का कहाँ है कारपेट मान देते, जिस जगह जेडीएस कारपेट रहा है हमारा कहाँ भी हमने पैसे देखो नहीं, मगर दूसरे अंक दिन क्या दी उनके जमाने उन्होंने बोल दी मेरी वार्ड में एमएलए और एमपी 20 लाख रुपए का ग्रांड आपको भी 20 रुपए का काम होको नहीं, आज तक भी होको नहीं। मेरे एरिया में 700 घर थे उसमें भी 350 चले गए। अब हमें किसके पास जी हमारे एरिया वाले का काम करने वास्ते। अब हमें कोई मैं हमारे मजहब का भी नहीं लेता, मैं ये सियासी मीडिया से सियासी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, मगर अगर हमें गलती हो को रही हमें शेर मैसूर से हमारे कारपोरेशन से गलती हो को रही मैं पूरे शहर मैसूर से माफी मांगता हूँ। सर ये बात तो सही है कि आपने जो मेयर का जो इलेक्शन हुआ तब मेयर को हाथ उठाया, फिर डिप्टी मेयर को हाथ उठाने की वजह क्या है सर? नहीं डिप्टी मेयर को हमें वहां से हमारा हाई कमांड वहां थे, हमारा एमएलसी थे इन्हें मंचे गोड़ा था, जीटी देवेगौड़ा था, बाद मरित गोड़ा उन सब थे, उन सब रखो डिप्टी मेयर हमें यहाँ नहीं उठे तो दूसरा होता है उसे रीजन दिलाती हूँ बोली। मैं आपके माध्यम से हमारे हाई कमांड को भी एक संदेश रवाना करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द तुम्हें रिजन दिलाना डिप्टी मेयर को और रेशमा बानो को डिप्टी मेयर बनाना, और उन्होंने जबान देखो थे तुम्हें हाथ उठाओ हमें ऐसे जिन्हें खड़को है रूपा उसे राजीनामा देने कराती और तुम ना फिर इलेक्शन करा को डिप्टी मेयर बनाने कराती करने में उसकी वजह से हाथ उठाए तो एक उम्मीद की वजह से उम्मीद से इंशाल्लाह वो राजीनामा देने कराती फिर इलेक्शन होता मेयर डिप्टी मेयर बनाती करके पार्टी हमारे हाई कमांड भी बोलता है हमारा भी उम्मीद है। अभी दो इलेक्शन का चेयरमैन का भी इलेक्शन है, दो चेयरमैन ही यहाँ चेंज हमारे इसमें दो चेयरमैन होता है इंशाल्लाह डिप्टी मेयर भी होता, इसकी वजह से मैं डिप्टी मेयर को भी हाथ उठाना पड़ा। मैं हमें थोड़े दो तीन जने जरा ये करे बात हमारा हाई कमांड सामने था जब उनकी बोलने की वजह से हमें हाथ उठाया डिप्टी मेयर को, नहीं तो वो सिर्फ नहीं उठाते थे। रेशमा बानो को इस्तेमाल किया गया है करके बोल के जेडीएस में ये भी बात सामने आ रही है। आधा सुनो यार तुम्हें बोल रही ना सही बात, आधा घंटा था इन्होंने जनरल में जीत को हिस्सा वो कैटेगरी बीसी है
बैकवर्ड कम्युनिटी का इनकम सर्टिफिकेट है, जिस जगह हमें बीसीए में इज्जत को रहती है वहां कॉर्पोरेशन में कैस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती। वो बीसीए रिजर्वेशन डिप्टी मेयर का रहने की वजह से इन्होंने जनरल कैटेगरी में इज्जत को थे उसमें इनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी थी, वो घर में थी, घर से सिर्फ 10 लाख का मौका, 10 लाख अगर खामोश रहते तो इन्होंने आज डिप्टी मेयर ऐसा इन्होंने बोले फिर डिप्टी मेयर एक मुसलमान होकर थी, मुसलमान रहती थी, उनकी कांग्रेस की वजह से आज हमारा विश्वास है। आपकी पार्टी आप तो बिल्कुल सीनियर है ना सर। नहीं इसमें हमें क्या समझे, इनके पास है समझ जी, हमारी भी क्या गलती है वहाँ, इन्होंने जो नॉमिनेशन करने गए 10 आधे घंटे का, मैं अभी मैं एक सीनियर कार्पोरेटर में मेरे पार्टी के मेरे फॉर्म के जिन्हें मेंबर्स थे उनको सब मेंबरशिप दिलाने का मेरी जिम्मेदारी थी, जैसा सभी को वर्क कमेटी मेंबर है, रफीक अहमद को वर्क कमेटी मेंबर है, हमारे साउथ कार्पोरेटर उनको भी हेल्थ कमेटी का मेंबर है, मैं एक फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनू, एक सबको भी मेंबर डालने की जिम्मेदारी वहां मेरी थी, मैं सबको भी मेंबरशिप दिलाता था, इसमें इनको एक आधे घंटे का वजह मैंने उनको मालूम ना इन लोग गहरी का तो हमें समझ गए, इनको भी वो समझ में नहीं आया। एक आधे घंटे का बात बोल रहे हैं क्योंकि आप जो है एक आपकी पार्टी जो है रियासत कर्नाटक की एक बहुत रीजनल पार्टी, तो आपके पास लीगल लॉयर भी है, वकीला भी जी जी, ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है सर, लॉयर जो है कौन थे सर आपके पार्टी में थे ना, लीगल एडवाइजर की बात कर रहे हैं? नहीं हमारे पार्टी में उस वक्त कौन भी नहीं थे, नहीं हम ना वहाँ क्लियर बोलता हूँ, हमना डिप्टी मेयर मेयर बनाते हमको काम भी हमना डिसमिस नहीं था, नहीं तो हमें पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते, खाली एक आधा घंटे का टाइम था इनको डिप्टी मेयर बनाने के बाद से इंफॉर्मेशन दिए जाओ तो मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा, ये हमारे भी जहन में नहीं था सर। नॉमिनेशन फाइल करने गए ना आप लोग जब? नहीं हमें नहीं गए जी, इन्होंने नहीं गए ना जब तस्नीम मैम को नॉमिनेशन फाइल करने गया था ना, इनके साथ कम से कितने लोग गए थे? इस पॉइंट तुम्हें जो सवाल कर रही है इसका मैं आंसर दे दूंगा, गए थे मैं उस वक्त वहां था, मैं इनको पूछा भी तुमने क्या पोस्ट दिया है, मैं पूछा मैं हमें आपको बोलते घर को निकल को गए, हम ना किसी को भी ध्यान में नहीं था इनको डिप्टी मेयर बना रही गया कर दो, मैं अंदर गई इन्होंने निकल को चले गए, मैं गया के बाद वहां मालूम हुआ रेशमा पालों को डिप्टी मेयर बनाई कर दो, बाद में निकल को गए सो इन्होंने नॉमिनेशन फाइल करी क्या करी हमने समझ में भी नहीं था सर। अवाम का ये कहना है कि आप सब लोग जितने भी हाथ उठाए उन्होंने सभी पैसे मिले बिक गए थे, जवाब दीजिए। नहीं हमने पैसे दिए सो प्रूफ होना जी, हर आदमी बोलता है कौन किया हमें सुने, अब हमें लास्ट टाइम मेयर हमें खुद गए थे कांग्रेस के ऑफिस में, मैं भी था, रेशमा भी थे, सोद भी थे, जब हमारी पार्टी के अंदर सवाल आया 15-15 लाख रुपए देखो कांग्रेस हमारे जेडीएस के कारपेटर को मुसलमानों को खरीदनी कांग्रेस वाले घर को जब दिए थे कांग्रेस वाले, अब भी सवाल है हमने कौन की 20 लाख में खरीदा करा, कौन की 15 लाख में खरीदा करा, कौन की 5 लाख, कौन की 7 लाख, बोलने को पैसे नहीं, हर आदमी हर तरीके से बोलता है हमें पैसे नहीं दी, अल्लाह गवाह है इसका अजर अल्लाह देता। सर ये 15 दिन गुजर चुके हैं आज को, सर 15 दिन बाद आप आज फिक्र जो कर रहे हैं क्यों नहीं आप 2 दिन बाद ट्रांसमिट किए या इस तरह की फिक्र आपने क्यों जाहिर किए, हर हल्के में खुसूसन आप लोगों को लेकर टोपी पे निशाना बांधा गया तो हिजाब पे एक सवाल किया गया, आप इतने दिन इंतजार क्यों?